एसी से पानी क्यों लीक होता है? कई बार देख सकते रहेंगे, एसी जो रहता है चलता है, उसके अंदर पानी लीक होने लगता है, अंदर में दीवार खराब हो जाता है या उसके नीचे रखे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ खराब हो जाता है, इस तरह से प्रॉब्लम होते रहता है। कभी भी आपको बता दें आप एसी लगाए हुए हैं तो एसी के नीचे कुछ भी खराब होने वाला चीजें ना रखें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना रखें, कोई पेपर वर्क इंपॉर्टेंट चीज ना रखें, तो कोई डॉक्यूमेंट ना रखें, ये सब चीजें ना रखें, क्योंकि एसी है, मशीन में पार्ट्स है, कभी भी पानी लीक हो सकता रहे, कुछ गारंटी कोई नहीं दे सकता रहेगा। ठीक है, ये लीक होता क्यों है एक्चुअली ये समझ लेते हैं। कई बार उसके अंदर या तो आइस आ गया है, कोई भी कारण बस आइस आ गया है, तो आइस आएगा तो क्या होगा, उसका जब कंप्रेसर बंद होगा, सिस्टम बंद होगा, तो आइस क्या होगा, टपकेगा। ठीक है, पानी रूप भर के बाहर से होकर के उभर होकर के टपकेगा, नीचे आएगा। फर्स्ट आइस आया है, तो आइस आने का रीजन क्या हो जाता है, गैस लो, एयर फिल्टर ब्लॉक, ब्लोअर का सर्विस नहीं होना, सही तरीके से नहीं वर्क करना, आइस आने की वजह से होता है। दूसरा हो जाता है पानी लीक होने का कारण क्या हो जाता है, एसी का ड्रेन लाइन जो है ब्लॉकेज होना। एसी में जो ड्रेन लीक लाइन जाता है, जहां पर जाता है उसके अंदर बहुत ज्यादा कचरा आ गया है, एसी सर्विस नहीं किया गया है, वो ड्रेन के लाइन में पाइप में पूरा कचरा आ गया है, जब कचरा करके मुंह जो रहता है वह भर गया है, जब पूरा कचरा भर गया तो जो पानी आ रहा है वो बाहर नहीं जा रहा है, ड्रेन में नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होकर के पानी इधर उधर से टपकता रहेगा और आपका प्रॉब्लम होता रहे, खराब होता रहेगा। तो उसके अंदर प्रॉब्लम यही आता है, ड्रेन लाइन जो रहता है ब्लॉक होने की वजह से, कचरा फंसने की वजह से हो जाता है, पानी नहीं जाता है। कई बार देखे रहेंगे आपका पीछे से ये जो एसी में पानी लीक होना कई तरीके से हो सकता रहेगा, कई बार आपका छींटा आ रहा है, मार रहा है सीधा, उसमें कुछ और प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। कई बार आपका सामने से साइड से ड्रॉप हो रहा है, नीचे आ रहा है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बैक साइड से एसी के दीवार पकड़ के आ रहा है तो पीछे का जो ट्रे रहता है कचरा उसके अंदर बहुत ज्यादा आ गया रहेगा। यानी कुल मिला लो कि आपका ड्रेन लाइन का ही प्रॉब्लम है, अगर ड्रेन लाइन अगर ब्लॉकेज रहेगा, पानी जो एसी का आउटडोर में बाहर नहीं जा रहा है, थ्रो रहा है, तो इंडोर में ही नहीं गिरेगा, रूम में ही आपका गिरेगा, प्रॉब्लम होता रहेगा। तो कभी भी इस तरह से आ रहा है तो खोल करके ये फिल्टर आप नॉर्मल चेक कर ले, आइस आया हुआ है तो डिफ्रॉस्ट होकर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बट अगर ड्रेन लाइन ब्लॉकेज है तभी भी क्या होगा, इस तरह से आइस आता रहेगा और पानी ओवरफ्लो होता रहेगा। आप तो कई बार होता है जो पानी लीक हो रहा है तो कई लोग ड्रेन जाकर के साफ कर लेते हैं, गुड, जाकर ड्रेन तो नॉर्मल साफ कर देंगे, पाइप का थोड़ा टाइम का रहेगा, निकल जाएगा, फिर उसके अंदर पीछे से जो कचरा भरा रहता है फिर कुछ दिन के बाद वो धीरे धीरे आकर के इकट्ठा होगा, जमा होगा, ओवरफ्लो होना चलेगा, प्रॉब्लम होता रहेगा। तो कभी भी इधर से प्रॉब्लम हो रहा है, पानी लीक हो रहा है, तो टेक्नीशियन को बुलाएं, मैकेनिक को बुला करके एसी का सर्विस कराएं, पूरा अच्छी तरीके से वाटर प्रेशर सर्विस कराएं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वाटर लीकिंग का। तो आशा करता हूँ जरूर इन्फॉर्मेशन मिला है, इस तरह से और जानकारी के लिए जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, ये वीडियो फीडबैक दीजिए, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला। आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।